अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर 7 आईकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ बुक शाहिद जमाल की चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, उनमें हमें मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स मेथड है उसके ज़रिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इक्वेशन होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी, और इनवर्स है तो ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी। और यूजुअली हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम इसे क्या कर देंगे, एक्स को इधर कर कर ए इनवर्स वन मल्टीप्लाई बाय बी, तो इस तरह से ये इजी हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन के ज़रिए ए इनवर्स फाइंड करना होगा, बी होगा और एक्स होगा। तो अब ए इनवर्स में एक्स में और बी में होगा क्या, तो ये आप देख लें। यहाँ पर एक्स के पास जो वैल्यू होगी वो होगी ए वन, और y के पास जो वैल्यू होगी वो होगी b1। इसी तरह से यहाँ पर a2 और ये होगी b2, और ये है हमारे पास c1 और ये है c2, ठीक है। तब इसे किस तरह से करेंगे, a में आ जाएगा हमारे पास a1 b1, यानी कि a1 b1 a2 b2। अब इसमें क्या होगा, ये इक्वल जो नंबर्स हैं यहाँ पर, x के पास कुछ नहीं है तो 1, y के पास कुछ नहीं है माइनस 1, यहाँ पर 2 और फिर ये है माइनस 3, ठीक है। इसके बाद है x, तो x में क्या होंगे, वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स एन वाई, और b में क्या होगा हमारे पास, b में होगा c1 and c2 जो कि है माइनस 1 एंड माइनस 5, ठीक है। तो आपको समझ आ गया a क्या होगा, x क्या होगा और b क्या होगा। a में होंगे a1 b1 जो वेरिएबल्स के साथ नंबर होंगे वो, x में होंगे वेरिएबल्स एक्स एन वाई, और b में होंगे जो इक्वल की दूसरी तरफ वैल्यूज़ होंगी c1 c2, ठीक है। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, तो उसके लिए हम ये लेंगे, सो 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 3। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, सो माइनस 3 वन जा 3, माइनस माइनस प्लस 2 वन जा 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1, ठीक है। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हम ए इनवर्स निकालेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या आ जाएगा, लीडिंग एलिमेंट्स की साइंस चेंज होगी, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया माइनस 2, माइनस 3 ऊपर चला गया और ये इधर आ गया, ठीक है। उनकी प्लेसेस चेंज होती है और लीडिंग एलिमेंट्स की साइंस चेंज होती है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 ए इनवर्स और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, माइनस 3 1 माइनस 2 एंड 1। तो ए इनवर्स क्या हो गया हमारे पास, माइनस 3, अब ये 1 के साथ जो माइनस है वो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 क्योंकि इसके साथ माइनस है 1 के साथ, तो 1 1 जा 1, बट माइनस का यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, उसके साथ माइनस आ जाएगा, तो ए इनवर्स आ गया हमारे पास। अब हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए क्या करना है, एक्स इज़ इक्वल टू, अब एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स और वाई के, ठीक है। तो हम एक्स और वाई लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, जो कि क्या होगा 3 माइनस 1 2 एंड माइनस 1, और बी क्या है हमारे पास, माइनस 1 एंड माइनस 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 वन ज़ा 3 माइनस का प्लस माइनस माइनस प्लस 5 वन ज़ा 5, फिर माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 वन ज़ा 5। सो एक्स एंड y किसके इक्वल हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2 एंड 5 में से 2 गए 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, सो 2 एंड 3 हो गया आंसर। तो ये था आज का क्वेश्चन, अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को करें लाइक शेयर, एंड चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।